जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना की एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी के कैरी सेक्टर में डुंगीगाला के पास सेना की एम्बुलेंस नियंत्रण खो बैठी और खाई में गिर गई। नतीजतन दो लोगों की मौत हो गई, तीन और जवान घायल हो गए। हादसे में एम्बुलेंस चालक और सेना के एक जवान की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खाई से दो शव बरामद किए गए। गंभीर रूप से घायल तीन जवानों को सेना के अस्पताल भेजा गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक खड़ी सड़क पर एक तीखे मोड़ के पास पहुंचने के दौरान चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया। इससे एम्बुलेंस सड़क से सीधे खाई में जा गिरी।